बालवीर जी आप बालवीर आप महान हो, देखा है ना मेरा मित्र महान हैरान हो ना मोंटू, ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ था। तुमसे ये जादू दंड वापस लेने के लिए, और अब ये जादू दंड मेरे पास है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता मोंटू। नहीं बालवीर जी नहीं। हटा दो मोंटू के ऊपर से वो जादुई सुरक्षा कवच, पर अब कभी ना मुड़े मोंटू पे किया हुआ जादू मेहर की तरफ। अब तुम्हें तुम्हारी सब गलतियों की सजा मिलेगी। सॉरी बालवीर जी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बालवीर जी। नहीं मोंटू, तुमने बच्चों को बहुत परेशान किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ बालवीर, देना तुम जरूर सजा इसे, लेकिन उससे पहले दे दो मुझे जादुई दंड। करूंगा मैं देखभाल इसकी, और तुम करना इस मोंटू का पूरा हाल। था इसी पल का तो इंतजार मुझे कब से, अब कभी नहीं करूंगा जुदा तुझे अपने आप से। तू जाता मैं। मोंटू रुको, बालवीर हटूगा। रुक जा। दुबाई, तुम यहाँ तो ये कौन है? बालवीर, हे मेरा दुष्ट भाई तोबा, जो मेरा भेष बनाकर आया यहाँ पे परी भयंकर का जादू दंड पाने के लिए। नहीं नहीं बालवीर, हूँ मैं डुबा डुबाएक, ये है तोबा। नहीं नहीं बालवीर, हूँ मैं डुबा डुबाएक। मोंटू रुको, बालवीर जाने दो उन्हें, लेकिन रोको पहले इससे, कर देगा ये परी भयंकर के जादू दंड का गलत इस्तेमाल। तुम्हें चड़ी डबल करानी थी ना? लेकिन बॉस, तुम्हें भी चड़ी चाहिए थी ना? लेकिन बॉस, तुम्हारी तो लाओ इड़न मुझे दे दो, वरना इसकी बहुत भयंकर सजा मिलेगी तुम्हें। नहीं, अब कभी नहीं दूंगा तुझे मैं ये परी भयंकर का जादू दंड। अरे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तोबा, अगर तुम ये दंड हमारे हवाले कर दोगे तो मैं बालवीर से कहूंगी कि तुम्हें सजा ना दे। नहीं, अब नहीं डरता मैं किसी से, हूं जा रहा मैं। ये जादू दंड चल, हो जा बड़ा। बालवीर से रोको। ए जादू दंड ले जा मुझे यहाँ से कहीं उड़ाकर दूर, चल। बालवीर, ये जादुई दंड एक बुरे हाथों से निकलकर दूसरे बुरे हाथों में चला गया। नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तोबा से वो दंड लेता। हाँ,
रुको तबा तबा, रुको। रुको तबा तबा। अब है नहीं कोई फायदा मेरे पीछे आने का बालवीर। अब नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में कभी। गलत तबा तबा। मैं तुमसे वो भयंकर परी का दंड भी लूंगा और तुम्हें ऐसी गलती करने के लिए भयंकर सजा भी दूंगा। रुको। सामान्य बाउंडर नहीं है। अगर मैं नहीं मुड़ा तो मैं इसकी चपेट में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे तौबा तौबा से वो भयंकर परी का दंड भी लेना होगा। मैं रुक नहीं सकता। हे चापुटन, चल ले जा मुझे फिर से तेजी से पीछे। देखा मैं कितना लकी हूँ, जादुई चिड़ी खुद मेरे पास घूम कर आ गई। वो भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन बॉस, ये इतने से इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे बड़ी मतलब बड़ी शक्ति है। देख क्या रहे, जा जा जाकर लेके आ, जा जा जल्दी लेके आता हूँ। यह संभव है क्योंकि बवंडर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है और बवंडर परी वहां से कभी नहीं निकल सकती। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो भी तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन कैसे कैसे हुआ ये? मेहर, मेहर रुको, मेहर। तो
बताओ बाल। ये बहुंडर हम पर बार बार वार क्यों कर रहा है? क्यों वो आ रहा है बार बार हमारे सामने? क्या चाहता है ये? भयंकर परी का दंड तो मुझे मिल ही गया है, अब जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बालवीर का ध्यान हटाना होगा। हाँ, मैं बच्चों को बाहर फेंकती हूँ, जब तक बालवीर बच्चों को बचाएगा मैं बवंडर लोग पहुंच जाऊंगी। हटकाती परी, बच्चों को हवा में दे हटका और धीमे से उन्हें जमीन पर ला। बालवीर जी, हम भी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं और सॉरी भी। सॉरी बालवीर जी, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मोंटू, बच्चे अगर छोटी मोटी शरारतें करें तो अच्छी लगती, लेकिन ऐसे शरारतें मत कर जिससे दूसरों को तकलीफ हो या चोट पहुंचे। मोंटू, दूसरों को परेशान करके खुद खुश होना ये अच्छी बात नहीं। ठीक है बालवीर जी, हम समझ गए। बालवीर जी समझ गए। ठीक है, अब जाओ। जाए? हाँ अब जाओ। हमारे बी 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 के होते हुए हम बच्चों को एक खरोच भी नहीं आ सकती। हम है, पर अब तुम भी जल्दी जाओ, वहां सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हैं? हाँ? हाँ, चलो। नटखट परी, वो बवंडर परी। बालवीर,
अभी रानी महल चलो, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह असंभव है, वो भवंडर परी हो ही नहीं सकती। लेकिन बाल परी, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है नटखट परी? भवंडर परी को तो कई सौ साल पहले माँ परी ने खुद अपने हाथों से सर्वदा कैद खाने में कैद किया था, और सर्वदा कैद खाने से बाहर निकलना नामुमकिन है। हाँ। नटखट परी, कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? नहीं अटकाती परी, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं वही सच, लेकिन आंखों देखे को झुटलाया नहीं जा सकता। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुद बालवीर ने भी उस विशाल बवंडर को देखा था, उसका सामना किया था। मैंने सामना किया था नटखट परी, पर उसका असली रूप नहीं देखा था। यही तो उसका रूप है बालवीर, उसका बवंडर अवतार। उन तेज हवाओं का सामना करना नामुमकिन है। ये तो तुम थी जो उसका सामना कर पाए। फिर तो वो भवंडर परी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भवंडर परी की शक्तियों का सामना बालवीर भी नहीं कर सकता। नहीं नाराज परी, इतने सालों कैदखाने में रहने के कारण भवंडर परी की शक्तियां कमजोर पड़ गई, और शायद इसीलिए वो भयंकर परी का दंड हासिल करना चाहती थी। नटखट परी, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ खतरनाक तो है, लेकिन बालवीर के होते हुए वो ये भयंकर परी का दंड हासिल नहीं कर पाई, इस बात की हमें खुशी है। तो सबसे पहले हमें इस जादुई दंड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। हाँ। और फिर सही समय देखकर इसे नष्ट करना होगा, ताकि ये भवंडर परी के हाथ में फिर से ना आ सके। हाँ बालवीर, आप सबको उस दंड की चिंता है, ये सोचिए कि भवंडर परी हम सब परियों को और पृथ्वी लोक के बच्चों को क्या क्या हानि नहीं पहुंचा सकती। ये सत्य है बाल परी, वो हमेशा बच्चों को और परियों को परेशान करने के लिए नए नए तरकीबें ढूंढती ही रहेगी। बाल परी, आपको सबने आगाह किया, सबने चेतावनी दी कि सर्वदा कैद खाने के द्वार को मत खोलो, पर भयंकर परी को भी कैद करना जरूरी था ना? हाँ, लेकिन हमने एक भयंकर परी को कैद की और दूसरी ओर उससे भी चाला और खतरनाक बवंडर परी को वहां से आजाद करा दिया। आजाद भी किया और बालवीर ने उसे चोट भी पहुंचाई। अब सोचो, चोट खाई हुई भवंडर परी पहले से भी खतरनाक हो गई होगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें बालवीर। तुमने मुझे भवंडर परी को चोट पहुंचाई है, इतने भवंडर लाऊंगी तुम्हारी जिंदगी में बालवीर कि तुम बिखर कर मिट्टी में मिल जाओगे।